Hello students, today we are to begin with session 44. This session has something a few new words which we never read before and very close relationship between the two similar looking words. Let's try to understand what he is trying to explain us in this session, that not the real McCoy, not the real McCoy. When you read this, it seems to be some American word or see the British word McCoy. But McCoy used to be a kind of, whiskey. So the duplicate of the whiskey was there of the same name. So then they started saying not the real McCoy means not the real thing, not the genuine article. From this, he started the session. What? Simulate is from Latin simulo, to means copy. And simulo itself derives from the Latin adjective similis, means like or similar. So simulation then is copying the real thing, pretending to be the genuine article by taking on a similar appearance. तो कई बार क्या होता है, हम simulate करने की कोशिश करते हैं situation को, condition को simulate करने की कोशिश करते हैं. Exactly तो नहीं होती, लेकिन similar बनाने की कोशिश करते हैं. Word says, अगर आप गौर कर रहे हैं तो वो क्या कहना चाहते हैं, किस word से आया है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो simulate, similar समझ आ रहा है. और वही वर्ड वो कहता है कि यार ये लैटिन वर्ड सिमिलिस से आया, मींस लाइक और सिमिलर होता है. सो सिमुलेशन देन इज कॉपिंग द रियल थिंग. सिमुलेशन करना मतलब रियल थिंग को कॉपी करना, प्रटेंडिंग टू बी द जेन्युइन आर्टिकल, देखने में बिल्कुल जेन्युइन लगता है, बाय टेकिंग ऑन अ सिमिलर अपीयरेंस, आपके शक्ल वैसी ही आप बना लेते हैं. इन द सेंस सिचुएशन में नॉर्मली हम सिमुलेट करते हैं, लुक्स में नहीं, बस सिचुएशन में नॉर्मली करते हैं. द सिमुलेशन ऑफ जॉय इज क्वाइट अ फीट व्हेन यू रियली फील डिप्रेस्ड. तो फिर भी आप डिप्रेस्ड हैं, लेकिन फिर भी आप ऐसे फीलिंग दिखा रहे हैं कि बड़े आप हैप्पी हैं, तो सिमुलेशन ऑफ जॉय करने की कोशिश करते हैं, यानी यू जस्ट ट्राई टू कॉपी दैट एक्सप्रेशन. जेन्युइन पर्ल्स ग्रो इनसाइड ऑयस्टर्स, वी नो दैट कि जो पर्ल्स होते हैं वो ऑयस्टर के बीच में होते हैं. सिमुलेटेड पर्ल्स भी आते हैं मार्केट में. सिमुलेटेड पर्ल्स आर सिंथेटिक बट लुक लाइक दी वंस फ्रॉम ऑयस्टर्स. अगर सिमुलेटेड पर्ल्स जो आते हैं, जो आर्टिफिशियल पर्ल्स होते हैं, बिल्कुल देखने में वैसे ही लगते हैं. रब अ पर्ल अगेंस्ट योर टीथ टू टेल द डिफरेंस, द नेचुरल पर्ल फील्स ग्रिटी. अगर वो बता रहा है कि जो रियल पर्ल होता है वो स्टोन्स के पार्टिकल से बना होता है, तो अगर आप अपने टीथ के साथ अगर स्क्रैच करेंगे तो वहाँ पर शोइंग ग्रिटी का मतलब, यहाँ पर शोइंग करेज एंड रिजॉल्व जरूर लिखा है, लेकिन इसका मतलब वो थोड़ा सा हार्श वैसे आपको फीलिंग देगा कि जैसे जल्दी से टूटेगा नहीं, लेकिन अगर प्लास्टिक वाला होगा तो वो आपको नेचुरली सॉफ्ट फीलिंग देगा. So the frequent advertisement of an inexpensive necklace made of genuine, देखिए advertisement क्या लिखा है, genuine simulated pearls can fool you. क्योंकि practically देखा तो उसने आप तो सिर्फ genuine पढ़ेंगे, लेकिन वहां पर क्या है, genuine simulated pearls है. अगर आप देखेंगे तो वहां पर क्या होगा, जेन्युइन सिमुलेटेड पर्ल्स कैन फूल यू इफ यू डू नॉट नो द वर्ड यू आर बीइंग ऑफर्ड ए जेन्युइन फेक. प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो क्या दिया जा रहा है, जेन्युइन फेक दिया जा रहा है. जेन्युइन सिमुलेटेड यानी यहां पर सिमुलेटेड क्या मतलब, कॉपीड काइंड ऑफ है, तो यानी फेक पर्ल्स का दिया रहा है. तो यहां पर वो बोल रहा था, सो द फ्रीक्वेंट एडवर्टाइजमेंट ऑफ एन इनएक्सपेंसिव नेकलेस. इनएक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है, वेरी चीप. आप देखते हैं ना, कोई वॉचेज आती है मार्केट में, वो सेम वॉच विल बी ऑफ वन फ्यू लाख रुपीस, बट यू कैन गेट इट एट फ्यू थाउजेंड रुपीस. तो क्या होती हैं जिसे आप मार्केट में देखते हो, तो वो सिमुलेटेड काइंड ऑफ वॉचेस होती हैं. तो दैट्स व्हाट इज ट्राइंग टू से, कि वो सिमुलेट कर दिया होता है, तो यानी जेन्युइन फेक हो जाते हैं. नाउ डिससिमुलेशन इज व्हाट, अगर डिस लग जाएगा तो नेगेटिव होना चाहिए, इज समथिंग एल्स, लेकिन वो ऐसा नहीं होता. व्हेन यू डिससिमुलेट यू हाइड योर ट्रू फीलिंग्स. डिसिमुलेट करने का मतलब क्या हो गया, डिस कर क्या सिमुलेट कर दिया, सिमुलेट में तो आपने कॉपी करा था, जैसे हमने जॉय की फीलिंग दिखाई थी. तो व्हेन यू डिसिमुलेट यू हाइड योर ट्रू फीलिंग्स बाय मेकिंग ए प्रटेंस ऑफ अपोजिट फीलिंग्स. जब हमने वो सैड था लेकिन वो दिखा रहा था कि जॉयस है, तो वो डिसिमुलेट करने की कोशिश कर रहा था. साइकोफेंट्स आर ग्रेट डिसिमुलेटर्स. साइकोफेंट आप जानते ही हैं, जो चमचे होते हैं, तो जिसे हम बूट लिकर्स भी कहते हैं. साइकोफेंट्स आर ग्रेट डिसिमुलेटर्स. तो जो साइकोफेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं,
डिसिमुलेटर्स होते हैं, फीलिंग कुछ होती है, दिखाते कुछ हैं, दे मे फील कंटेम्प्ट। आप जानते हैं कंटेम्प्ट का मतलब काइंड ऑफ इंसल्ट होता है, यानी डिसलाइक होता है। दे मे फील कंटेम्प्ट बट शो एडमायरेशन। जिसकी वो चमचागिरी कर रहे हैं वो कमरे के बाहर जाकर वो हो सकता है उसको अब्यूज़ करता हो या कर्स करता हो, लेकिन अंदर जाता है तो बड़ा एडमायरेशन दिखाता है कि वाह सर वाह आप तो ग्रेट हैं। दे मे फील नेगेटिव बट एक्सप्रेस एब्सोल्युटली पॉजिटिव अग्रीमेंट। यानी नेगेटिव फील करते हैं लेकिन दिखाते हैं बड़े पॉजिटिव हैं, तो ये डिसिमुलेट करने में वो एक्सपर्ट होते हैं। अ क्लोज सिनोनिम ऑफ डिसिमुलेट इज डिसेंबल। याद रखिए ये डिसअसेंबल नहीं है, ये डिसेंबल है। विच ऑल्सो इज टू हाइड ट्रू फीलिंग्स बाई प्रटेंडिंग द अपोजिट, वो भी सेम ही होता है। और एडिशनली टू कंसील फैक्ट्स और वंस ट्रू इंटेंशंस बाई डिसेप्शन, वो आप अपनी इंटेंशन को छुपा लेते हो। और स्टिल फर्दर एडिशनली टू प्रटेंड इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट्स यू वुड रादर नॉट एडमिट। आप ये दिखाते हो कि जैसे मुझे तो पता ही नहीं था, मैं आपको फैक्ट्स के बारे में आइडिया नहीं है, तो आप ऐसा दिखाते हो। जब ऐसी कोई फीलिंग आती है कि जब आप प्रटेंड करते हो जैसे यू डू नॉट नो काइंड ऑफ, तो वो डिसेंबल करने की कोशिश करते हो व्हेन इंडीड यू फुली अवेयर ऑफ देम। तो यानी ये जो डिसेंबल है डिसिमुलेट जैसा ही है लेकिन एग्जैक्टली डिसिमुलेट नहीं है। इसमें आप फैक्ट को कंसील करने के लिए अपने फेस पर एक डिफरेंट इमेज बनाते हो। सपोज किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, तो मर्डर के केस में पुलिस वेरीफाई करती है तो वो बल्कि सपोर्ट कर रहा होता है पुलिस को कि हाँ जी ऐसा हुआ वैसा हुआ पता नहीं कैसे हो गया। अब वो क्या डिसिमुलेट करने की सॉरी वो डिसेंबल करने की कोशिश कर रहा है। ही जस्ट ट्राइंग टू प्रटेंड एज इफ ही डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट द केस, पुलिस हैज टू डील विद दैट, तो वो डिसेंबल करने की कोशिश करता है। देन द नाउन इज डिसेंबलेंस हो जाएगा। यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड इन डिसिमुलेट एंड डिसेंबल द नेगेटिव प्रीफिक्स इज डिस। ये तो आप जानते हैं जैसे डिस्कार्ड होता है, ठीक है, डिसरिस्पेक्ट होता है, वैसे ही डिस वाला नेगेटिव होता है। मेक बोथ द वर्ड्स पेजोरेटिव। दोनों ही वर्ड जो होते हैं कहीं ना कहीं कंटेम्प्ट और डिसअप्रूवल के लिए यूज होते हैं, दूसरे की इमेज को खराब करने के लिए पेजोरेटिव स्टेटमेंट्स में यूज किए जाते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। हिंट्स एंड हेल्प्स। द वर्ब इंटीमेट, अगेन इंटीमेट, द वर्ड इंटीमेट इज फ्रॉम लैटिन वर्ड इंटीमस। वैसे तो हम कहते हैं उसके उससे बड़े इंटीमेट रिलेशनशिप है, बड़े क्लोज रिलेशनशिप है, वहाँ इंटीमेट यूज़ करते हैं। कई बार इंटीमेट यूज़ करते हैं हम किसी को इन्फॉर्म करना होता है, यार बॉस को इंटीमेट कर देना, वहाँ इंटीमेट यूज़ करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज सेइंग। इंटीमेट इज फ्रॉम द वर्ड इंटीमस, इनर मोस्ट, द सेम रूट फ्रॉम विच द एडजेक्टिव इंटीमेट हैज कम एंड इज नाउन इज इंटीमेसी। हम कहते हैं मेरी यार उससे बड़ी इंटीमेसी है, यानी मैं उसको जरा सा भी हर्ट नहीं कर सकता, आर डिराइव्ड। बट द रिलेशनशिप इज ओनली इन एटमोलॉजी। देखा जाए तो वो वर्ड में ही आप रिलेशनशिप निकाल सकते हैं, नॉट इन मीनिंग। एन इंटीमेशन कंटेन्स अ सिग्निफिकेंस बरीड डीप इन द इनर मोस्ट कोर। आप क्या कहना चाह रहे हैं, इंटीमेशन कंटेन्स अ सिग्निफिकेंस बरीड डीप इन द इनर मोस्ट कोर, ओनली अ हिंट शोइंग। आपकी फीलिंग तो बहुत ज़्यादा होती है लेकिन आप उसको जरा सा हिंट देते हो, ये इंटीमेट को यूज करना कहना चाह रहा है वो। As you grow older, you begin to have intimations that you are mortal. जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो धीरे धीरे हमें realize होने लगता है कि हम mortal हैं, मतलब कि हम मर जाएंगे। थोड़ा थोड़ा हमें उसका idea लग जाता है कि हाँ यार ऐसा नहीं है, बचपन में तो ये चीज़ें नहीं पता होती, but when you grow, you start getting the hints कि हाँ ऐसा हो सकता है। When someone aims a gun at you, और when a lorry comes roaring down at you, मान लीजिए सड़क पर आप जा रहे हो, सामने से ट्रक तेजी से आए चले जा रहा है, तो यू एट यू एज यू ड्राइव एबसेंट माइंडेडली अगेंस्ट ए रेड लाइट थ्रू एन इंटरसेक्शन। आप मान लीजिए एक रेड लाइट से जा रहे हैं और आपने गाड़ी तेजी से निकाल रहे हैं, आपने देखा ही नहीं सामने से ट्रक आ रहा है, ऐसे केस में क्या होता है, यू आर सडनली वेरी श्योर दैट यू आर mortal। आपको वहाँ पर हिंट मिल जाता है कि आप mortal हो गए। ऐसी वाली फीलिंग्स हमने बहुत बारी लाइफ में देखी होती हैं, इसके हमें हिंट मिले होते हैं। तो यानी हिंट वाली जो बात होती है, जो डीप रूटेड फीलिंग होती है लेकिन उसका हिंट जो है वो इंटीमेट करना है। सो alleviate is a combination of Latin word levis, light, not heavy, and prefix is ad. Levis word के आगे अपने ad लगा देंगे तो टू, और जो ad जो होता है वो al में convert हो जाता है अगर आप किसी l word के साथ लगाते हो। तो जैसे ad पहले लगाओगे फिर उसके साथ levis लगाओगे, तो ये जो levis है ये ad जो होता है फिर वो ad नहीं रहता, ये al हो जाता है, तो फिर alleviate हो गया। तो दम फिर word क्या बन गया, एलिवेट बन जाता है। तो एलिवेट क्या हुआ, यानी वो नॉट हैवी को इंडिकेट करता है, लाइट को इंडिकेट करता है। इफ समथिंग एलिवेट्स योर
pain. If someone alleviates your pain, it makes your pain lighter for you. बस आपको वो pain lighter लगती है, ठीक है? Practically pain खत्म नहीं हो जाती, लेकिन वो आपको दिलासा देकर, समझा कर या रास्ता दिखाकर alleviate कर देता है आपके burden को. If I alleviate your sadness, I make it lighter to bear. And if you need some alleviation of your problems, you need them made lighter and less burdensome. प्रॉब्लम तो वहीं रहेगी, लेकिन उसको एलिवेट करने से आपको थोड़ा बर्डनसम कम लगेगा, आपके ऊपर बोझ नहीं आएगा. वो ये कहना चाहता है, टू एलिवेट इज टू रिलीव ओनली टेम्परेरली. देखिए लिखा भी है, टू एलिवेट इज टू रिलीव ओनली टेम्परेरली, नॉट टू क्योर और डू अवे विद. वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती या ख़त्म नहीं हो जाती, ऐसे ही कहना चाहते हैं. यानी एलिवेट का मतलब है, आप सामने को जब एलिवेट करते हो तो उसको थोड़ा सा कम कर दे, तो ही स्टार्ट्स फीलिंग दैट कि कम हो गया है. चाहे आपने कंसोल किया, गाइड किया, रास्ता दिखाया, वट एवर इट इज, बट एग्जैक्टली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई. प्रॉब्लम तो वो खुद सॉल्व करेगा जो भी सिचुएशन होगी. ऐसे ही वर्ड कहते हैं रिलीव, इज ऑल्सो फ्रॉम द वर्ड. आप देख लीजिए, रिलीव में भी लेविस वर्ड आ रहा है, फ्रॉम द लेविस प्लस री अगेन, टू मेक लाइट और ईजी अगेन. यानी आप अगर रिलीव करते हो तो हमने आप किसी को रिलीव कर दिया ड्यूटी को, आप प्रेशर से रिलीव हो गए, इसका मतलब रिलीव है, यानी दोबारा से ही आप लाइटन फील करते हो, तो इजी अगेन हो जाता है. द एडजेक्टिव फॉर्म इज एलिवेट, इज एलिवेटिव. और फिर ऐसे अगर हम बोलें कि एस्पिरिन इज एन एलिवेटिव ड्रग होती है, एस्पिरिन जो होती है वो एलिवेटिव ड्रग होती है, पेन को कम नहीं करती. जैसे आज की डेट में हम डिस्प्रिन खाते हैं, पहले एस्पिरिन आती थी, मतलब वो खाने से आपकी क्या रियल पेन खत्म नहीं होती, लेकिन थोड़ी देर के लिए आपको बर्डन सम कम लगता है, दैट इज एलिवेट हो जाता है, ठीक है? तो एनीथिंग लाइट विल राइज सो फ्रॉम द प्रीफिक्स एक्स. अगर एक चीज़ मैं देखूँ, जैसे मैं जस्ट शेयरिंग विद यू इज कि जो लेविस की जीन्स आती हैं, तो यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड उसने बर्डन क्या बनाया है, उसने क्या वर्ड बनाया है. वो जीन्स का भी मतलब कहने को तो मोटा कपड़ा होता है और काफ़ी ड्यूरेबल होता है, लेकिन वो लाइटर होता है. ही सेज नॉट हैवी इफ यू वियर दैट जीन्स, यानी यू फील कम्फर्टेबल. वो मार्केट में अगर उसी कंपैरेटिवली जीन्स खरीदोगे तो वो थिक कपड़ा होगा, वजन हो सकता है डबल हो. प्रॉब्ली दैट यू कैन अंडरस्टैंड लेविस व्हाई दिस नेम हैज बीन गिवन टू द जीन्स देयर. एनीथिंग लाइट विल राइज सो फ्रॉम द प्रीफिक्स ई और एक्स, बट प्लस लेविस वी कैन कंस्ट्रक्ट द वर्ब एलिवेट. एटोमोलॉजिकली टू राइज, राइज रेज आउट. अगर हम उसमें लेविस के आगे ई लगा देते हैं, ई लगा देते हैं, तो क्या होता है, राइज आउट करने लग जाता है, बिकॉज ई वर्ड जो है अब आपका ई एक्स से आने लगा है. वहाँ पर हमने क्या लगाया था, अगर आप देखोगे तो वहाँ वर्ड हमने ए एल लगाया था. आप देख रहे हैं, ए डी जब हमने लगाया था तो वो ए एल में कन्वर्ट हो गया था, तो एलिवेट बना दिया था, यानी वो बर्डन लेस करना था. अब हम क्या बोल रहे हैं, एलिवेट है, ई लगा देते हैं, तो ई लगाएंगे लेविस के आगे तो वर्ड क्या बन जाएगा, एलिवेट कर लेना होता है. और वहीं से अपने वर्ड सुना होगा तो एलिवेटर होता है, लिफ्ट जो होती है उसे एलिवेटर बोलते हैं. यानी किसी का लेवल आप एलिवेट कर सकते हो, यानी अप कर सकते हो. तो ई एक्स का मतलब क्या, आउट है, और लेविस तो फिर वही है. तो वी कैन कंस्ट्रक्ट द वर्ड एलिवेट, इटिमोलॉजिकली मीन्स राइज आउट हो जाता है, इसका मतलब है राइज आउट हो जाता है. ओके, एक्चुअली रेज अप, ऑल्सो टू एलिवेट वन स्पिरिट्स, रेज देम अप, मेक देम लाइटर. ऑब्वियसली किसी की स्पिरिट को क्या कर रहे हो, आप अप कर रहे हो, तो यानी उसको लाइटर कर रहे हो. अभी हम लेविस किस टर्म में यूज हो रहा है, ई एक्स और लेविस, ई और लेविस, यानी वहां से वर्ड बनाया एलिवेट, तो यानी आउट करना, लेवेट यानी बर्डन सम को कम करना, उसको आपने ऊपर उठा दिया, आउट कर दिया, तो यानी एलिवेट कर दिया. रेज देम अप, तो किसी चीज को रेज देम कब करोगे, रेज अप कैसे करोगे, जब वो लाइटर हो जाएगी तभी तो करोगे. तो इसलिए हमने बोला मेक देम लाइटर. एलिवेट समटाइम समवन अ टू ए हायर पोजिशन, हायर पोजिशन में एलिवेट कर देते हैं. मैंने कहा एलिवेटर होता है, वो भी ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करता है, तो यानी चाहिए वो लेस बर्डन सम होगा तभी तो उठ पाएगा, तो एलिवेट कर लेना होता है. होप यू अंडरस्टैंड कि ए डबल एल वाले में और ई एल वाले में क्या फ़र्क है. लेविस वर्ड यूज हुआ है, आई थिंक थिंग्स आर क्लियर विद यू नाउ. एंड हैव यू एवर सीन ए परफॉर्मेंस ऑफ मैजिक इन विच ए पर्सन और एन ऑब्जेक्ट अपेरेंटली राइज इन द एयर एज ए फ्लोटिंग. कई बार आपने मैजिशियन के शो देखे होंगे जिसमें वो पूरी बॉडी को उठा देते हैं और नीचे से स्वॉर्ड निकाल देते हैं, ऐसा कई बार आपने देखा होगा. दिस लेविटेशन, दिस लेविटेशन, दैट इज लेविटेशन, राइजिंग थ्रू नो विजिबल मीन्स.
आई वॉज इट डजन टाइम्स एंड नेवर कुड वर्क इट आउट द वर्ब शो, यानी वो कहता है मैंने कई बार ये शो देखा है लेकिन कभी समझ नहीं पाया कि वो कैसे ऐसे उठ जाता है बिना किसी विजिबल मींस के। लगता तो ऐसे ही है कि एयर में उठ जाता है, एग्जैक्टली क्या होता है वो कह रहा है मुझे आज तक समझ नहीं आया। तो अगर वहाँ से देखें तो ये वर्ड एक लेविटेट कर लेना होता है। होप यू अंडरस्टैंड लेविटेशन क्या है। लेविटेशन मतलब राइजिंग थ्रू नो विजिबल मीन्स है, दैट इज नोन एज लेविटेशन। लेकिन वर्ड वहाँ पर भी लेवी लगा हुआ है, मीन्स यू आर लिफ्टिंग अप, यानी आप उसको लाइटर मान के चल रहे हैं। दैट्स व्हाट द केस इज। एंड हाउ अबाउट लेविटी, देर इज अनदर वर्ड कॉल्ड लेविटी, दैट इज लाइटनेस टू, बट ऑफ अ डिफरेंट सॉर्ट लाइटनेस इन द सेंस ऑफ फ्रिविलिटी। फ्रिवलस आप जानते हो ना, बड़ा ज़्यादा इंटेंस नहीं होता। फ्लिपेंसी, जोकिंग और लैक ऑफ सीरियसनेस, स्पेशली वेन सोलेमिनिटी, डिग्निटी और फॉर्मेलिटी इज रिक्वायर्ड और मोर अप्रोप्रिएट एज इन टोन्स ऑफ लेविटी और एज इन लेविटी इज आउट ऑफ प्लेस एट ए फ्यूनरल और इन ए हाउस ऑफ वर्शिप। शायद समझ नहीं आएगा, मैंने थ्रू एंड थ्रू पढ़ दिए, आई विल रीड विद ब्रेक्स। एंड हाउ अबाउट लेविटी, अच्छा एक लेविटी वर्ड है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। इसका मतलब होता है लाइटनेस, इसका मतलब भी लाइटनेस होता है, लेकिन क्या, बट ऑफ अ डिफरेंट सॉर्ट, वो थोड़ी डिफरेंट टाइप की होती है। लाइटनेस इन द सेंस ऑफ फ्रिविलिटी, फ्रिविलिटी का मतलब अगर आप देखोगे तो यहाँ लिखा है केयरफ्री एंड सुपरफिशियल, केयरफ्री एंड सुपरफिशियल मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस, मैंने कहा इंटेंस नहीं होता, यानी फ्लिपेंसी होती है। फ्लिपेंसी वर्ड भी मैंने लिखा है नॉट शोइंग द एप्रोप्रिएट सीरियसनेस और रिस्पेक्ट, और जोकिंग हो सकती है, और लैक ऑफ सीरियसनेस, उस जो भी आप फ्रिविलिटी कर रहे हो उसमें लैक ऑफ सीरियसनेस होती है, मतलब मजाक मजाक वाला, सीरियस वाली कोई बात नहीं। जैसे आप किसी की लेग पुलिंग कर रहे होते हो, या मैंने चैप्टर पढ़ा था 11th क्लास में, वो बर्ड्स बैठ जाती थी ग्रैंड मदर के शोल्डर्स पे, तो वो उनको हटाती थी विद ए फ्रिविलस रिब्यूक, हल्का सा फटकार के निकाल देती थी। जैसे छोटा बच्चा आपके साथ कुछ कर रहा हो, पेंटिंग कर रहे हैं आप, तो छेड़ रहा है चीज़ें, तो आप उसे हल्का सा डांटते हो, उन्हें झड़कते, तो वो व्हाट वी कॉल इट फ्रिविलस रिव्यूक, दैट इज फ्रिविलिटी आपने उसके साथ करी। जब कुछ ज़्यादा सेंस, ज़्यादा सीरियसनेस नहीं होती। अब स्पेशली वेन, और ये तब जबकि कोई सोलेमिनिटी, डिग्निटी और फॉर्मेलिटी इज रिक्वायर्ड, हालांकि वहाँ पर चाहिए था कि बड़ा सीरियस बिहेव किया जाता, बड़ा फॉर्मल बिहेव किया जाता, वहाँ डिग्निटी बिहेव की जाती, लेकिन वहाँ पर हमने कुछ ऐसा बिहेवियर किया या वहाँ पर कुछ ऐसा एक्ट किया जो बड़ा फ्रिवलस है, जो बड़ा ही सीरियसनेस नहीं है, ठीक है, इज रिक्वायर्ड और मोर अप्रोप्रिएट। जैसे कि हम बोलें टोन्स ऑफ लेविटी, टोन्स ऑफ लेविटी मतलब जहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा लेविटी यूज कर ली, यानी आपको बहुत ज़्यादा सीरियसनेस उठानी थी, और एज इन लेविटी इज आउट ऑफ प्लेस एट ए फ्यूनरल, अगर आप लेविटी करते हो, या हमने वर्ड बोला था लेविटी, यानी हमने क्या बोला, अगर एंड हाउ लेविटी, यानी लेविटी का मतलब हमने बोला था लाइटनेस, तो लेविटी इज आउट ऑफ ए प्लेस, यानी कैसे प्लेस पर लेविटी नहीं होती, जहाँ पर जैसा कि फ्यूनरल हो रहा हो, मान लीजिए आप किसी फ्यूनरल प्लेस पर गए हैं, तो वहाँ पर आपको हंसी मजाक ये सब ये जो करना नॉट अलाउड है, और किसी मंदिर में या किसी पूजा की जगह पर आप जा रहे हैं, चाहे मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो या कहीं पर भी चर्च में, ऐसी हाउस ऑफ वर्शिप में आपको इस तरीके की हंसी ठट्ठा जिसे कहते हैं हिंदी में, ऐसे जोक वगैरह नहीं करना चाहिए, या किसी के साथ मजाक नहीं करना चाहिए। मतलब यू हैव टू मेंटेन व्हाट, यू हैव टू मेंटेन सॉलेमिनिटी, सीरियसनेस, यू हैव टू मेंटेन डिग्निटी, यू हैव टू मेंटेन फॉर्मेलिटी। ऐसी जगहों पर अगर आप कुछ ऐसा करते हो तो देन इट इज कंसिडर टू बी व्हाट, इसको हम बोलते हैं सेंस ऑफ फ्रिविलिटी हो जाती है, या वो जो एक्ट हो जाता है दैट इज एन एक्ट ऑफ लेविटी हो जाती है। होप यू अंडरस्टैंड दैट। ओके ओके एनफ लेविटी, कहता बहुत हो गया मजाक, नाउ लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस। मान लीजिए हम सब शैतानियां कर रहे हैं, कुछ है, बॉस आ गया, तो बॉस ने आके क्या बोला कि बस बहुत हो गया, चलो यार मजाक शुरू करते काम, तो यानी वहाँ पर उसने क्या बोला, लेविटी यूज़ कर दिया। इसका मतलब कि अब जो भी छोटा मोटा मजाक वजाक कर रहे थे, केयर फ्रीलेंस में बैठे थे, आ जाइए रेगुलरली हम उसको शुरू करते हैं, अपना काम करते हैं, दैट इज व्हाट वुड कॉल इट्स लेविटी। वहीं पर अभी लेविस वर्ड से ही उसको यूज़ कर रहा है। देन शेयरिंग समवन्स मिजरी, लेट इन माइजर, जिसे वर्ड रेच्ड होता है, अगर आपने रेच्ड वर्ड सुना है तो रेच्ड का मतलब क्या होता है, मिजरेबल, वेरी अनहैप्पी और अनफॉर्चुनेट स्टेट को बोलते हैं, मतलब पुअर आर इन ए द पुअर रेच, हमने कई बार वर्ड पढ़ा, यानी बहुत ही मिजरेबल स्टेट में होना होता है। लेट इन माइजर रेच्ड, द प्रीफिक्स कॉन,
जिसका मतलब विच एज यू नो बिकम्स कॉम बिफोर ए रूट बिगनिंग विद एम. अगर कोई वर्ड एम वाला होता है उससे पहले आ जाएगा तो फिर वो क्या बन जाता है, वैसे तो कॉन हो जाता है लेकिन फिर वो कॉम बन जाता है अगर किसी एम से पहले आ जाए तो. आपने काफ़ी सारे वर्ड ऐसे हमने पढ़े थे. टुगेदर विद इसका मतलब हो जाता है टुगेदर और विद भी होता है. एंड द वर्ब सफिक्स इज एट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ब्लॉक्स फ्रॉम विच कमिसरेट इज कंस्ट्रक्टेड. अगर हम देखें तो ये कमिसरेट एक वर्ड आया है. अब देखें जैसे कौन था, कौन को हमने क्या बना दिया, कॉम बना दिया, और कॉम का मतलब क्या है, टुगेदर है. फिर एट वर्ड बना दिया जो उसका सफिक्स है. अब हम उसे वर्ड बना रहे हैं कमिसरेट इज कंस्ट्रक्टेड. आई कमिसरेट विद यू देन मीन्स आई एम रेच्ड टुगेदर विद यू आई शेयर योर मिजरी. कमिसरेट करने का मतलब हो गया यहाँ पर आप सिंपथाइज कर देते हो. आप क्या कर रहे हो उसके साथ, सिंपथाइज कर रहे हो. तो कमिसरेट वर्ड में क्या क्या वर्ड आ गया, अगर आप ध्यान से देखें तो व्हाट वर्ड्स आर गिवन देयर, कम मिसर एट. तो कॉम का मतलब विद है, माइजर तो आप जान ही रहे हैं, रेस्ट है, और एट उसने बता दिया कि वो उसका क्या है, सफिक्स है. तो आपने उसकी माइजरी में विद करा ना, यानी आप उसके साथ माइजरी के साथ रहे ना, तो यानी आप उसके साथ सिंपथाइज कर रहे हो, ये कहना चाहते हो. तो बोलो आई कमिसरेट विद यू देन मीन्स आई एम रेस्ट विद यू मीन्स आई शेयर योर मिजरी, ऐसा कहना चाहते हैं. ठीक है, चलिए. द नाउन फॉर्म क्या होगी, ऑब्वियसली कमिसरेशन वर्ड आ जाएगा. और माइजर, माइजरली, मिजरेबल, मिजरी ऑल कम फ्रॉम द सेम रूट, वही एक वर्ड से आ जाते हैं, माइजर वर्ड से आ जाते हैं. तो वहीं से माइजरली हो गया, बड़ा माइजरली पर्सन है वो, बड़ी माइजर है, बड़ी सिचुएशन मिजरेबल है, और आई कैन नॉट बियर द मिजरी यू गो थ्रू, ऐसा वाला भी आप कह सकते हैं. यानी ये सर वर्ड कमिसरेट. नाउ यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड हाउ दिस वर्ड इज डिवाइज्ड. ओके, नाउ स्विंग एंड स्वे. स्वे मतलब होता है ऐसे मूव करना, स्वे होता है. फ्लावर स्वे करते हैं व्हेन द विंड ब्लोस, वी कॉल इट स्वे होता है. नाउ वेसिलेट, इजी वर्ड, वेसिलेट. नोट द सिंगल सी डबल एल. आप ध्यान से देखें वेसिलेट में डबल सी नहीं आता. वेसिलेट डिराइव फ्रॉम द वर्ड वेसिलो मीन्स स्विंग बैक एंड फोर्थ. अगर आपने पेंडुलम पढ़ा था अगर आप साइंस में, तो दैट इज बैक एंड फोर्थ वाला जो सिचुएशन है, दैट इज वॉट वी कॉल इज बैक एंड फोर्थ. यहाँ गया फिर यहाँ गया फिर यहाँ आया, तो ये क्या है, वेसिलेट करना है, स्विंग बैक एंड फोर्थ है. द नाउन फॉर्म इज, यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड, अगर मैं जब तक क्लिक करूँ आपको आंसर आ जाना चाहिए वेसिलेट का क्या नाउन फॉर्म बनेगा, वेसिलेशन. पीपल हु स्विंग बैक एंड फोर्थ इन इंडिसीजन, हु स्विंग बैक एंड फोर्थ इन इंडिसीजन. इंडिसीजन का मतलब जो डिसाइसिव नहीं होते, जो बड़े फिकल माइंडेड होते हैं, तो बैक एंड फोर्थ होते हैं, अच्छा जाता हूँ नहीं जाता हूँ, जाऊँ या नहीं जाऊँ, ऐसे वाली सोच के जो लोग हैं. हु आर इरेजोल्यूट, यानी इरेजोल्यूट का मतलब हेजिटेंट होते हैं, अनश्योर होते हैं, जिसमें रिजॉल्व नहीं कर सकते, रेजोल्यूशन लेने की पार नहीं होती, यानी जो डिटर्मिंड काइंड ऑफ नहीं होते, अनसर्टेन होते हैं. हु कैन अनफॉर्चुनेटली सी बोथ और इवन थ्री और फोर साइड्स ऑफ एवरी क्वेश्चन. उनको कई सारे उसके डायमेंशन निकलने लग जाती हैं. एंड सो हैव डिफिकल्टी मेकिंग अप देयर माइंड्स, यानी कोई भी काम करते हुए उनको बड़ी सारी ऑप्शन नजर आते हैं, फिर वो कर ही नहीं पाते, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है उनको किसी चीज़ को ऐसे सेलेक्ट करने की. आर वेसिलेटरी, वो ऐसे लोग क्या होते हैं, आप उनकी जो एक्शन है वो वेसिलेटरी एक्शंस हैं, बंदे भी वेसिलेटरी मान सकते हैं. दे आर ऑल्सो यूजली एम्बिवलेंट, याद है ना आपको, एम्बिवलेंट हो जाता है, अनश्योर काइंड ऑफ थिंग. दे अगर अवार्ड मैंने नीचे लिखा भी हुआ है एम्बिवलेंट आपके लिए, हैविंग मिक्सड फीलिंग्स और ओपिनियंस अबाउट समथिंग और समवन. बहुत पहले हमने एम्बिवलेंट वर्ड पढ़ा था, एम्बी मतलब बोथ होता है अगर आपको याद है तो. दे आर कन्फ्लिक्टिंग एंड साइमल्टेनियस इमोशंस अबाउट द सम पर सेम पर्सन और थिंग. तो दे हैव कन्फ्लिक्टिंग एंड साइमल्टेनियस इमोशंस अबाउट द सेम पर्सन और थिंग. किसी पर्सन को लेकर उनके मन में बहुत सारे इमोशंस आते हैं, कन्फ्लिक्टिंग भी और दूसरे भी, एट ए टाइम वो डिसाइड ही नहीं कर पाते. मान लीजिए आप किसी आदमी को कहना चाहें वो ख़राब है या किसी को कहना चाहें कि वो अच्छा है, बट वो तो दोनों आपके मन में फीलिंग आ रही है, तो आप बड़े एम्बिवेलेंट स्टेट में होते हैं, या आप वैसे इनडिसीजन की स्टेट में होते हैं, इरेजोल्यूटरी स्टेट में होते हैं, यानी आप वेसिलेटरी हो जाते हैं. ठीक है, और दे वॉन्ट टू गो बट दे ऑल्सो वॉन्ट टू स्टे, मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी. और दे लव समथिंग बट दे हेट इट टू
ये भी उनकी सोच हो जाती है. द नाउन इज एम्बीवलेंस फ्रॉम एम्बी बोथ. रिमेंबर एम्बी एम्बी वर्ड और एम्बी डेक्स्टर्स फ्रॉम द चैप्टर 3 जो आपने पहले पढ़ा था, होप आपको याद होगा. देन एम्बीवलेंस हैज बेस्ट बीन डिफाइंड एज वॉचिंग योर मदर इन लॉ. बहुत अच्छा लिखा है. एम्बीवलेंस हैज बेस्ट बीन डिफाइंड. एम्बीवलेंस आपके दिमाग में कब आती है? इसने एग्जाम्पल दी है क्या? एज फॉर एग्जाम्पल वॉचिंग योर मदर इन लॉ ड्राइव ओवर ए क्लिफ इन योर न्यू कार. भाई मान लीजिए आपकी मदर इन लॉ, अब आप अपनी मदर इन लॉ को तो अपनी सास को तो आप कुछ नहीं कह पाओगे. अगर उसने कहा कि नहीं मैम बेटा मैं गाड़ी चलाती हूँ, आपकी नई गाड़ी है और हिल के ऊपर लेके जानी है, तो आपको खतरा लग रहा है कहीं यार आगे पीछे एक्सीडेंट ना हो जाए, यार जो हो सकता है वो मैनेज ना कर पाए. लेकिन आप कुछ कह नहीं सकते ऐसे में. यू आर इन सच ए सिचुएशन, ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड, आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन. तो टू वेसिलेट इज टू स्विंग. मतलब इस स्टेज में क्या होता है, आप मना भी करना चाहते हो, नहीं भी मना करना चाहते, लेकिन आप वेसिलेट कर रहे हो क्या करूँ ऐसे वाला. टू वेसिलेट इज टू स्विंग मेंटली और इमोशनली. मेंटली और इमोशनली, नेचुरली फिजिकली तो नहीं करोगे. टू स्वे बैक एंड फोर्थ फिजिकली इज ऑसिलेट. वो मैंने कहा अगर वो फिजिकली कर रहा है तो वो ऑसिलेट कर रहा है. माइंड में आप वेसिलेट कर रहे हो, फिजिकली ऑसिलेट कर रहे हो. अगेन नोट द डबल एल. वो कहते हैं ऑसिलेट में भी डबल एल आता है, गलती से डबल स्पेलिंग मत लगा ले लगना. और ये वर्ड ऑसिलेट कहाँ से आया है? ऑसिलम से आया है, जिसका मतलब स्विंग होता है. ए पेंडुलम ऑसिलेट्स. द आर्म ऑफ ए मेट्रोनोम ऑसिलेट्स. याद है मेट्रोनोम हमने कहा था पियानो के मैच करने के लिए हम मेट्रोनोम यूज़ करते हैं कि कितनी देर में आप उसका पूरा रिदम बीट को कंप्लीट करते हो. इफ़ यू रिकॉल ए पेंडुलम ऑसिलेट्स, द आर्म ऑफ मेट्रोनोम ऑसिलेट्स एंड पीपल हु हैव हैड मच टू ड्रिंक ऑसिलेट व्हेन दे ट्राई टू वॉक. नेचुरली ज़्यादा ड्रिंक करेगा तो फिर हालात ख़राब हो जाते हैं. तो वो कहते हैं वो फिर ऑसिलेट करते हैं. फिजिकली तो ऑसिलेट ही करेगा, जैसे आप स्टैगर कहते थे याद है आपको, वो हो जाता है. तो अब इसका आप ऑसिलेट का क्या सिनोनिम बनाओ, सॉरी नाउन बनाओगे, तो ऑसिलेशन वर्ड बन जाएगा. होप यू अंडरस्टैंड दिस. सो वेसिलेट एंड ऑसिलेट एंड रेजोल्यूट एंड इनडिसीजन एंड देन रेस्ट ऑफ द थिंग्स. नाउ यू नो व्हाट दे आर एंड दैट्स ऑल वी हैव इन दिस सेशन. Kindly keep doing the exercises after every chapter. Hope you have been continuously doing. Today we are at the second last session of the book. After this we have only one more session left, 45. And then all the session this book would be over. And we have to complete, we have to see how much have you learned and all. But later we will talk about this, what next we need to do. We will be doing session 45 in the coming class and that would be the last session of this book. Thank you very much for watching. God bless you.